नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डेमोटे 2.0। देखिए आज सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हुआ, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन से लेके हम डिस्कशन शुरू करते हैं बोर्ड पे, है ना। अच्छा सवाल आया, अभी अभी इसको एक बार पलट के देख चुके हैं, काफी अच्छा सवाल, आसान आसान, बस वन लाइनर टाइप में 0-5 और -3 एक का डिस्टेंस पूछ दिया। पहला क्या पूछा, 0-5 और -3 एक, 7 दिख रहा है, 9 और 16, है ना, दोनों का स्क्वायर जब डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो x1 x2 y1 y2, तो आएगा ना 3 और यहाँ पे 4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 16, तो ये देखो सीधा 5 दिख रहा है, √25 दैट मींस 5। ठीक, तो एकदम वन लाइन का क्वेश्चन और है ही ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा ही होगा। tan थीटा xy y है, cos थीटा का वैल्यू पूछ दिया। देखिए tan थीटा कितना दे रखा है, tan थीटा है xy y, देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, आपसे पूछ दिया cos थीटा, तो y के डिफरेंस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, यानी x² + y² यही ना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर बी है शायद। अब देखिए बहुपद 3x² एक पॉलिनोमियल है, 3x² + 11x - 4, कितना है 3x² + 11x - 4। इससे ना आपका पूछा कि इसके रूट्स कौन कौन है, तो इसके रूट्स देखो तो ये 12 है, आप कैसे करोगे 12 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखें 12x - x, ब्रेक डाउन कैसे किए हम इसका, मिडिल टर्म एक्सपेंशन कैसे किए, 12x - x, ये -4, ये 3x², आप देखिए 3x कॉमन ले रहे हैं, तो x + 4 और -1 करेंगे तो x + 4, यानी 1/3 और -4, आई मीन इसके 1/3 और -4 ये दोनों 0 के बराबर होंगे, क्योंकि हमको 0 फाइंड करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ मिडिल टर्म एक्सपेंशन से किए और बस सिंपल आंसर लाने का प्रयास किए। देखिए दो सर्कल है जिनके सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। सर्कमफेरेंसेस किस रेशियो में है, पहले का 2πr1 और दूसरे का 2πr2, इनका रेशियो, ये रेशियो ही तो है, ये कितना है 4 और 5, आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई यही तो है r1 और r2 का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 4:5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है, एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है 3n² + n, कितना दे रखा है 3n² + n, आपसे पूछा गया कि इट्स कॉमन डिफरेंस, अच्छा और इसका कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया 6, फिर आपसे पूछा गया कि इसके फर्स्ट टर्म को आप बताओ, बोला कि देखो ये एसएल दिया हुआ था, बोला कि t1 बताओ, बोले सबसे पहले अगर tn पता चल जाए तो, बोला tn को sn - sn - 1 होता है, इसमें भी टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, ये देखो sn कितना है तो 3n² + n है, और इसमें से sn - 1 क्या होगा, तो देखिए अगर इसी चीज के जगह n - 1 रख देंगे, जहां जहां n है वहां n - 1 रख देंगे, तो sn - 1 हम फाइंड कर लेंगे, ये क्या बनेगा 3n - 1 का होल स्क्वायर + n - 1, जो कुछ भी होगा घटेगा, देखो ये 3n² है प्लस एन है, अब घटेगा क्या, ये 3n² + 3 - 6n है, तो -3n² - 3 + 6n बन जाएगा, ये प्लस एन माइनस वन है तो -n + 1 बन जाएगा, ये अपना रोल प्ले करेगा, जो कुछ है सबको घटाएगा, ठीक, ये 3n² 3n² एन एन, ये बचा 6n - 2, क्या बचा 6n - 2, ये बचा क्या tn, देखो tn का जनरल टर्म था ये है tn = 6n - 2, tn क्या होता है 6n - 2, आपसे t1 पूछा गया था तो 6 × 1 - 2, जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कर दो तो बनेगा यहां 4, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + a + 1 x + b are 2 and -3, देखिए इसमें जीरोज दे रखा है, ठीक है,
फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी, और इसके जीरोस दे रखे हैं, आप मान लो अल्फा टू और बीटा माइनस थ्री है। ऐसा है कि आप बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, आप लोग माइनस वन दोनों को ऐड किए तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स तो सी बाई ए होता है, यानी कि माइनस सिक्स होना चाहिए बी, बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस सिक्स, बी बाई वन बराबर होना चाहिए ना ये सी बाई, सी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस सिक्स है, सी बाई ए रखने गए तो इसमें तो ए हम ले रहे हैं, बस ऑब्जेक्टिव है सी वन ए वन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये बनेगा बी कितना, माइनस सिक्स, ए कितना बनेगा, अब ए तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस वन है, और ये क्या है माइनस बी बाई ए, तो ये एक्स के कोफिशिएंट को हम फॉर्मूला में भी बोलते हैं, तो माइनस ए माइनस वन बाई वन, और ये किसका होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, मतलब माइनस वन, यानी माइनस ए माइनस वन बराबर माइनस वन, देखो ये खत्म, माइनस ए बराबर जीरो, यू में से ए बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर एक है जिसमें ए का वैल्यू जीरो दे रखा है और बी का वैल्यू माइनस सिक्स दे रखा है, यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देखिए पी स्क्वायर है 32/50, ये एकदम नंबर सिस्टम का अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन, पी स्क्वायर है 32/50, तो आप देखो बोलोगे 16/25, ये देखो तो पी क्या रहेगा, तो 4/5, और ऑप्शन दे रखे हैं कि वो है क्या, ये होल नंबर है तो होल नंबर तो ये है नहीं, इंटीजर है नहीं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है नहीं, तो रेशनल नंबर इसका करेक्ट हम आंसर कर देंगे, ठीक है ना, रेशनल नंबर। फिर देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, अगर यहाँ कोई थीटा है राइट एंगल तो इसमें क्या बोला कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सही है क्या, हम लोग देखो कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन तो खत्म, कॉस कॉस के बराबर, ये तो सही बात बोल रखा था, फिर है कॉस इंटू टेन, तो यहाँ बराबर साइन थीटा के दे रखा है, तो टेन मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन साइन के बराबर आया, ये भी ट्रू बात है, इसमें पूछा है कौन ट्रू नहीं है, सी तो एकदम एज इट इज फॉर्मूला याद करते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, और फोर्थ में देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, यह ऑप्शन में वन दे रखा है और यही गलत है, ठीक। नाइन्थ देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई एंड द वाई एक्सिस, हम बोले देखो 3x माइनस वाई कोई लाइन हो, डजंट मैटर, वाई एक्सिस जो है जिसको हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमारे इस लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगी वहां पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस, अच्छा चलो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स बराबर जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है एक्स बराबर जीरो, और एक लाइन जो है वो ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, आप बताइए इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ये नहीं पढ़े हैं कि ग्राफिकली जो आंसर होता है या फिर आप ऐसे आंसर फाइंड करते हो दोनों एक ही होता है सॉल्यूशन होता है, तो हम इसका इक्वेशन देखते ना, दोनों लाइन का इक्वेशन हमको पता है, हम कर लेंगे x जैसे ही 0 पुट करेंगे 3 माइनस y का वैल्यू 3 आ जाएगा, दैट मींस y का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा, तो x बराबर 0 एंड y बराबर माइनस 3 करेक्ट आंसर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, ऑप्शन में भी है 9 का a। 10th में क्या है ना कि एक सर्कल का क्वेश्चन है, देखिए एक सर्कल दिया है, फिगर आपको गिवन है, सर्कल में दिखाया ये सेंटर यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से टेंजेंट्स ऐसे आए हैं, तो देखो यहाँ पे आपको एंगल दिया 55 डिग्री, हम नामकरण नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस दिखाएंगे कि पूछा क्या गया है, आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप देख लीजिए, चलिए ठीक है कर दे रहे हैं, ए क्यू बी, यहाँ पे है हमारा सी, यहाँ पे है हमारा पी, आप बताओ आपसे पूछा एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर वाटी, स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा,
ये आप डायरेक्ट जानते हो कि इन दोनों का सम 180 होगा, मतलब ये 125। अगर बोलो कि ऐसा क्यों, तो देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ 90 डिग्री ही तो बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, एसीपीबी, एसीबीपी, एसीबीपी क्वाड्रिलेटरल है, तो 180, तो ये दोनों मिलके 180 है। बोले हाँ, अब इसका आधा ही तो देखो, ये जो आर्क है हमारा वो सेंटर पे 125 कर रहा है, तो इधर इस सर्कमफेरेंस पे कितना करेगा, इसका आधा करेगा, तो 62.5 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए 11th क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, पॉलीनोमियल क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू किसका पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, हम बोले इसका तो माइनस बी बाई ए और माइनस बी तो इसमें है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें जीरो है, तो जैसे ही बी को जीरो पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए 12th क्वेश्चन, PQR ट्रायंगल सिमिलर है ABC के, ट्रायंगल PQR देखो इन सबको हम ऐसे ही लिख के दिखा रहे हैं, ये कोई PQR है, ये कोई ट्रायंगल ABC है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है सिमिलर है। अब आपसे ना एक में PQ 6 दे रखा है, AB8 दे रखा है, 6 और AB8 ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, कोई नहीं, ये मेजरमेंट 6 का, ये 8 का, ठीक। फिर क्या दिखाया आपको, पेरीमीटर एबीसी का 36 दे दिया, एबीसी का पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर 36, पूछा कि इसका पेरीमीटर बताओ क्या है, तो आप सिमिलरिटी का रूल जानते हैं कि जिस रेशियो में साइड्स होते हैं उसी रेशियो में उनके पेरीमीटर भी होते हैं, तो यहाँ रेशियो क्या है 3 और 4, तो यहाँ भी रेशियो कितना होना चाहिए 3 और 4, 4 और 3, हम बोले 4 तो भाई 9000 बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये भी 9000 बार यानी कि 27, इस PQR का पेरीमीटर कितना होना चाहिए था 27 होना चाहिए था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 है, ये भी बहुत अच्छा सवाल, और मतलब कैलकुलेशन से अगर आपको परेशानी होता है तो आप परेशान होंगे इस सवाल में, ए बी सी डी और ई, हालांकि बहुत आसान सवाल है ये, देखिए 3 ये पूरे का 7 दे रखा है, तो आपको पता है 4, इसी कितना दे रखा है 3, ई सी दे रखा है 3, ए ई आपसे पूछ दिया, हम बोले देखो ये 3 तो ये भी 4, मतलब ये उसी रेशियो में ना रहेंगे 3 और 4 के रेशियो में, बोलोगे हाँ पर है क्या 4 है क्या, हम बोले नहीं, 4 का 0.75 4 है 3, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसका मेजरमेंट कितना है 3, जो 4 के रेशियो में तो होंगे ना 3-4 के रेशियो में, थ्योरम से ये पैरेलल, ये एरो इसलिए दिया गया कि पैरेलल है, और शायद डाटा में भी दिया गया, हाँ डी पैरेलल बी सी गिवन भी है, ठीक। तो आप देखिए ये 0.75 गुना, जब यहाँ 0.75 गुना करेंगे तब ना इसका एग्जैक्ट लेंथ निकलेगा ए का, और वो आ जाएगा 2.25 करेक्ट आंसर, ऑप्शन भी डेसिमल में दिया है तो आपको तो करना है 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से सॉल्यूशन मिलेगा हमको, वॉल्यूम ऑफ कोन का, पाई आर स्क्वायर इस बेस का एरिया और हाइट वर्टिकल हाइट पता ही है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 156 और एच है 8, ठीक है ना, यही है ना डाटा 156 और 8 बिल्कुल। अब आप करेंगे तो 52 और 400 और 16 416 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर यही है। 15 देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड को 4 होते हैं 4/52 1/13 होगा इसका, ये तो स्पष्ट है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। 16 क्वेश्चन क्या है, p इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²-p + qx + k = 0, देखिए ये एक सवाल है x²-p + qx + k = 0 दे रखा है, और आपको बोला कि p इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बोले अच्छा दैट मींस p सेट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, बोले हाँ अगर p रखते हैं तो p² - ये p × p क्या बन जाएगा p² - pq, ठीक है ना, प्लस के
बराबर जीरो, ये के का तो कोई लेना देना नहीं है, ये पी था ना पी, एक्स पी है हर जगह, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और फिर प्लस के अलग बराबर जीरो, तो के बराबर क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा, ठीक है। और ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 टू 20 आर प्लेस्ड इन ए बैग एंड मिक्स्ड स्लोली, एक कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। ये अगर करना है इवन नंबर है कैसे, आप बताओ 2 से 20 तक, 1 से 20 तक कितने इवन नंबर, 20, 10, कितने 10, उसमें से अच्छा 3 से 20 तक कितनी संख्याएं, आप बोलेंगे 3 से 20 तक, 3 से 4 तक एक संख्या थोड़े ना है, दो संख्या है, तो 3 से 20 तक 18 संख्या, कितना संख्या 18, 18 संख्या है, आप करके देख लेना 3 से 20 तक 18 संख्या है, 3 से 4 तक दो संख्या, 3 से 5 तक तीन संख्या, 5 माइनस 3 तो प्लस 1, यानी कि तीन संख्या होता है, वैसे 20 में से 3 17 प्लस 1 18 संख्या, ये ऐसे ही है, लेकिन आप सोचो इसको बार बार सोचो, यही होता है, ठीक है। 1/2 करेक्ट आंसर है, 9/17 इसका जो लोग मार्क किया है वो गलत करके आए। 18 देखिए, द कंडीशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by बराबर c और lx plus my बराबर a टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसके ग्राफ एक दूसरे को काटते होंगे, ये ax तो एक पॉइंट पे और ये कितना है lx plus my बराबर n, ठीक है ना। आप देखिए ये a बटे l कभी भी बराबर नहीं रहना चाहिए b बटे m के, ऐसा तो कहीं ऑप्शन था ही नहीं, तो am जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कभी भी बराबर नहीं रहना चाहिए lb के, और यही ऑप्शन नंबर ठीक है, am कभी बराबर नहीं रहेगा ml के, bl के, सॉरी bl के या lb। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वो असर्शन 19 और 20 दोनों असर्शन रीजन टाइम क्वेश्चन है, इसमें आपको जवाब पता होना चाहिए और क्या यही कारण था कि आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, या फिर क्या कारण है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सब आप देख के बताते हैं। देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, असर्शन क्या है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो देखो रियल में ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बोले कैसे रेसिप्रोकल है, तो आप ना इसको इस इतना पाई वन कर सकते हो, तो हाँ गुना कर दो दोनों को cosec थीटा प्लस cot थीटा से, cosec थीटा प्लस cot थीटा, और नीचे भी किससे गुना कर दिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा, है ना। यहाँ आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा बाई में लिखेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ एक बार फिर करेंगे ना cosec थीटा प्लस cot थीटा, बोलेंगे हाँ। अब देखो ये वन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल तो है नहीं ये चीज, आप बोलोगे cosec थीटा माइनस बराबर वन अपॉन, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या, तो आप इसको लैंग्वेज में लिखते हो ना रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, आप एक बार फिर ध्यान देना, अगर हम दे रहे हैं 1/5, ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ 5 है कि नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 हम बोले हाँ, तो फिर ये जो चीज है हमारा cosec थीटा प्लस cot थीटा के वन के पाई में, तो ये भी तो रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा है, पर ये है किसके बराबर, cosec थीटा माइनस cot थीटा के बराबर है, यानी कि cosec थीटा माइनस cot थीटा है ना वही है क्या, तो इसका नाम क्या है रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, ठीक। तो assertion तो हमारा सही था, assertion में दिया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो assertion हमारा सही है। अब रीजन में दे रखा है एक फॉर्मूला, मतलब एक और इक्वेशन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने कहीं ना कहीं इसका रोल तो जरूर प्ले हुआ है, ठीक, कहीं ना कहीं इसका रोल प्ले हुआ है, और तभी ये पूरा का वैल्यू 1 आया और ये रेसिप्रोकल बन गया इसका, तो हम इसके बोलेंगे कि assertion is true and reason is correct explanation of this statement, मतलब this assertion, ठीक है ना। अब देखिए 20 देख रहे हैं, 5 plus root 7 is a root of a quadratic equation with rational coefficient,
5 प्लस रूट 7, एक रूट दिखाया 5 प्लस रूट 7, रूट 7, और बोला ना कि ये एक पॉलिनोमियल, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं, देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस रूट 7, तो इसका दूसरा रूट क्या है, 5 माइनस रूट 7। हम बोले देखो हमको जो चीज पता है, एक फॉर्मूला पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, तो बोलेगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ रेशनल पार्ट जो आ रहा है, इरेशनल पार्ट जो आ रहा है, तो ये दोनों तो समान रहेगा हर बार, एक बार क्या होगा कि जुड़ेगा और दूसरा रूट्स क्या होगा, घट के आएगा, तो एक बार जुट के आएगा और दूसरे बार घट के आएगा, तो हाँ बिल्कुल ये दोनों एक दोनों ही अदर, मतलब अगर एक रूट गिवन है तो ये दूसरा रूट हो सकता है, सही बात है ठीक। और फिर क्या बोल रहा है कि सर्ट रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स अगर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ये भी एक थ्योरी है और ये सही है, इसी थ्योरी के आधार पे हम अपने इस बात को प्रूव करते हैं, तो यहाँ भी यही हुआ कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। ये 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, अभी और सवालों को देखते हैं तो काफी आसान, अगर आपको ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और देखिए जैसे इसका जो और भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियोस में लेके आया जाएगा, जो 3 नंबर वाले हैं या फिर और भी नंबर वाले हैं, तो उन सबको ना और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।